एक अभिनेता एक जोकर में अंतर है, वही अंतर है दोनों में। अब डिग्री दिखाना ना दिखाना, इसके लिए तो अब हम क्या बोल सकते हैं। मेरे हिसाब से तो देश का हर नेता पढ़ा लिखा होना चाहिए, ऐसे ऐसे चरवाहे ऐसे ऐसे गुंडे आके नेता बन जाते हैं। अब इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो डिग्री क्या जरूरत है, बाकी तो सब देख ही रहे हैं। अरे अरविंद केजरीवाल को तो सबूत है, सबूत चाहिए, हर काम पे सबूत चाहिए। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है उसको डिग्री दिखाने में क्या फर्ज होता है? अगर पढ़ा लिखा है और शासन न चला पाए तो पढ़ा लिखा बेकार है, तो उस पे उनपे FIR हो रही है, कहाँ का राजनीति है भाई। नहीं, दिखाने की जरूरत नहीं, उनके काम ही उनको दिखा रहे हैं। पढ़े लिखे दो प्रकार के होते हैं, ये सर्वश्रेष्ठ पढ़े लिखे हैं। अरविंद केजरीवाल और मोदी, बहुत अंतर है। वो पढ़े लिखे मुझे नहीं पता है या नहीं है, मगर हाँ जनता को उन्होंने अच्छी तरीके से पढ़ा दिया है। लेकिन इस समय जो भी है सब सही है, सबका साथ सबका विकास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नौकरी लग गई है क्या? कोई फॉर्म भरा था? आप चौंक रहोगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। लग रहा है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नौकरी देने वाले हैं, इसीलिए तो डिग्री दिखाने की बात कर रहे हैं। अब डिग्री दिखाने की बात कर गई तो उनके ऊपर खुद ही 25,000 का जुर्माना लग गया। अब भला ये मजाक की बात तो है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री विधायक नेता के लिए कोई डिग्री है भी क्या, और डिग्री दिखाने की बात कही जा रही है। अब IAS PCS का एग्जाम तो है नहीं जो डिग्री दिखाने की बात हो रही है, तो आखिर देश के प्रधानमंत्रियों के लिए क्या डिग्री की इम्पोर्टेंस है? क्या संविधान में ये बदलाव होना चाहिए कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नेता विधायक के लिए कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए? देश की जनता क्या सोचती है कि प्रधानमंत्री को पढ़ा लिखा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या फिर गढ़ा होना चाहिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डिग्री दिखानी चाहिए या नहीं दिखानी चाहिए? नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर, मैं हूँ आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। पब्लिक काउंटर में आज बात करेंगे डिग्री पर, प्रधानमंत्री के सही या गलत। आइए मेरे साथ। क्या लगता है कि प्रधानमंत्री जो देश का होना चाहिए वो पढ़ा लिखा होना चाहिए या नहीं? पढ़ा लिखा तो होना चाहिए, होना चाहिए। जी बिल्कुल। मामला पता है आपको? बताइए क्या है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी डिग्री दिखानी चाहिए, तो क्या दिखानी चाहिए या नहीं? अब वो इतने ज्यादा मतलब एक्सपीरियंस है ना, वो सारी चीज समझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका कहना भी सही है, बट अब डिग्री दिखाना ना दिखाना, इसके लिए तो अब हम क्या बोल सकते हैं। बट उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी सही है कि जो यूथ में अगर जैसे कि लोग बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं आगे, है ना, कहीं ना कहीं अगर वो किसी मतलब मुकाम पे जाते हैं, किसी लेवल पे जाते हैं, तो उनको दिखानी चाहिए अपनी डिग्री। बट वो खुद ही एक मतलब एक्सपीरियंस उनका हो चुका है, है ना, पूरा मतलब वर्ल्ड देख रहे हैं, घूम रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी आप हम अपने पापा से नहीं कह सकते कि आपने डिग्री दिखाई, क्योंकि हम कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि वो हमें जो बता रहे हैं तो उसके लिए हमें प्रूफ नहीं चाहिए। तो आई गेस मैं तो नहीं बोलूंगा डिग्री दिखाइए। PM पढ़ा लिखा होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो देश का हर नेता पढ़ा लिखा होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो ऐसा रूल बना देना चाहिए कि कोई भी नेता है, MLA MP कुछ भी बन रहा है, पहले वो लिटरेट हो, पढ़ा लिखा हो, फिर आके बने। ऐसे ऐसे चरवाहे ऐसे ऐसे गुंडे आके नेता बन जाते हैं, रूलिंग पार्टी में आ जाते हैं, तो ऑब्वियस पढ़ा लिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहना है? वो तो खैर बहुत अच्छे हैं, बट होता है ना कि परिवार का मुखिया अच्छा है इसका मतलब नहीं पूरी परिवार अच्छी है। कोई अच्छा भी है पार्टी में, कोई बुरा भी है, बट मोदी तो अच्छे हैं। क्या लगता है कि PM मोदी पढ़े लिखे हैं या नहीं? बिल्कुल पढ़े लिखे हैं, बिल्कुल। डिग्री दिखाने की बात होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? मतलब ये कोई जरूरी नहीं है, उनका जो 10 साल का 15 साल का एक्सपीरियंस है इधर प्रधानमंत्री का, उस हिसाब से उनको तो दिखाने की जरूरत नहीं है। डिग्री जो किया है वो सामने है। अब अपने प्रधानमंत्री तो सही हैं, पढ़े भी हैं, पढ़े लिखे हैं, और क्या। डिग्री दिखानी चाहिए उनको कि नहीं दिखानी चाहिए? अब इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो डिग्री क्या जरूरत है, बाकी तो सब देख ही रहे हैं, काम तो बढ़िया है, एक नंबर। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि डिग्री दिखाना चाहिए, दिखा देना डिग्री। अरे अरविंद केजरीवाल को तो सबूत है, सबूत चाहिए, हर काम पे सबूत चाहिए। हाँ। उनको हर काम में सबूत ही चाहिए बस। उनको डिग्री दिखानी चाहिए अपनी कि नहीं, कि वो कितना पढ़े लिखे हैं? जी अवश्य दिखानी चाहिए डिग्री उनको। आप पढ़े लिखे क्यों नहीं है? प्रधानमंत्री को पढ़ा लिखा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जो पढ़े लिखे तो उसमें होने वाली कौन सी बात है, डिग्री दिखानी चाहिए उनको या नहीं? बिल्कुल दिखानी चाहिए, जब जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है उसको डिग्री दिखाने में क्या फर्ज होता है, वो डिग्री अपनी दिखा दे। अरविंद केजरीवाल बोले कि डिग्री दिखाए ना, लेकिन उनके ऊपर तो जुर्माना हो गया 25,000 का। ये कैसे हो गया, उड़ने लगा दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? तो अब क्या लगा कि ये फर्जी है सर? वो तो है ही है, जाहिर सी बात फर्जी मानी जाएगी। अगर पढ़ा लिखा है और शासन न चला पाए तो पढ़ा लिखा बेकार है।
इस तरह समझिए कि घर गृहस्थी में एक बड़ा बुजुर्ग होता था पहले, पढ़ा लिखा कहाँ होता था, कितना अच्छा शासन करता था। जो पढ़े लिखे थे उन्होंने क्या करा, सब गोबर का नेस कर दिया। तो इतना तो पढ़े लिखे सभी हैं। पीएम मोदी को डिग्री दिखानी चाहिए या नहीं? अगर है तो दिखा दे, अगर नहीं है तब भी हम प्लस में है कि ठीक है वो। ठीक है वो। अरविंद केजरीवाल को क्या लगता है, वो कह रहे डिग्री दिखा देनी चाहिए? वो कुछ है नहीं, कुछ ना कुछ तो आदमी बोलेगा ना विपक्ष में जाके, कुछ तो बोलेगा। देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए या नहीं? मैडम दोनों होना चाहिए। दोनों होना चाहिए, दोनों अपनी जगह सही है मैडम। हाँ, कौन दोनों? पढ़े लिखे भी अनपढ़ भी, जरूरी है पढ़ा लिखा, ये देश चला है, दुनिया चला है। प्रधानमंत्री इतनी पढ़ी लिखी है, घर चला रही है अच्छे से। हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे लगते हैं? सुपर्ब। सुपर्ब। हाँ, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि उनको डिग्री दिखानी चाहिए, डिग्री दिखानी चाहिए या नहीं? नहीं दिखानी चाहिए, नहीं हो तो भी बोल दे साफ सके नहीं डिग्री मेरे पास। क्यों क्यों भाई, सब जानते हैं देश चला रहे, घर चला रहे, वो जो है अच्छा चला, दुनिया जानती है, बहुत बेहतरीन चला रहे, बेहतरीन। वोट किसको दिया था 19 में? मोदी जी को। मोदी जी को क्या देखकर दिया था? बीजेपी को वोट देखकर दिया था, मोदी का चेहरा देखकर दिया था या डिग्री देखकर दिया था? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, विश्वास, विश्वास। तो जब अरविंद केजरीवाल ने इस यहाँ पे जब वो उन्होंने सवाल किया कि आप डिग्री दिखाइए अपना, दूसरे का कागज मांगना आता है तो आप भी डिग्री दिखाइए, तो उस पे उन पे FIR हो रही है। कहाँ का राजनीति है भाई? और राहुल गांधी ने थोड़ा सा भी बोला सर ने, ये कहाँ की राजनीति है? होती है अपनी पर्सनली दुश्मनी निकालना CBI ED के भरोसे पे, ये तो उनका हो गया कि अब मेरा एक पर्सनल दुश्मनी, यानी कि जिस हिसाब से यहाँ अब राजनीति हो रही है, बजरंग दल हावी हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, CBI ED यहाँ पे बहुत सारे। आपको क्या लगता है कि डिग्री दिखा देनी चाहिए? अब कौन दिखानी चाहिए भाई, चुनाव देखिए, चुनाव दूसरी चीज है और माइंडेड वाली बात दूसरी चीज है। चुनाव तो कोई भी जीत सकता है लेकिन माइंडेड तो है, ये तो मानना पड़ेगा, माइंडेड तो है। पढ़े लिखे नहीं पढ़े, अब ये तो हम थोड़ी उनकी डिग्री थोड़ी देख रहे हैं। डिग्री दिखानी चाहिए या नहीं दिखानी चाहिए? अगर है तो दिखानी चाहिए, जो चीज है उसको आपके पास कैमरा है तो कैमरा दिखाने में क्या हर्ज है? देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? पढ़ा लिखा होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या लगते हैं, पढ़े लिखे या नहीं? जी पढ़े लिखे। अगर पढ़े लिखे तो उनको अपनी डिग्री दिखानी चाहिए या नहीं दिखानी चाहिए? नहीं दिखाने की जरूरत नहीं, उनके काम ही उनको दिखा रहे हैं। हाँ, अच्छे काम कर रहे हैं वो। हाँ, मेरे से जैसे बहुत ही अच्छे। अब हमारा जो भारत का जो इकोनॉमी है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है। अच्छा। हाँ, प्रधानमंत्री को पढ़ा लिखा होना चाहिए या नहीं? पढ़ा लिखा होना चाहिए, होना चाहिए बिल्कुल। पीएम मोदी क्या लगते हैं, पढ़े लिखे या नहीं? सर्वश्रेष्ठ पढ़े लिखे, सर्वश्रेष्ठ पढ़े लिखे, मतलब जितने प्रधानमंत्री आज तक हुए 14। हाँ, पढ़े लिखे दो प्रकार के होते हैं, ये सर्वश्रेष्ठ पढ़े लिखे हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी को पीछे छोड़ दिया गया, बहुत पीछे। अच्छा जी, तो अगर सर्वश्रेष्ठ पढ़े लिखे हैं तो डिग्री दिखानी चाहिए नहीं दिखानी चाहिए? पढ़े लिखे हैं, देश चला रहे, तो डिग्री बिना डिग्री के कैसे देश चला रहे, डिग्री तो है उनके पास। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं डिग्री दिखा दो लेकिन 25,000 का जुर्माना हो गया उनके ऊपर। अरविंद केजरीवाल और मोदी बहुत अंतर है। एक अंतर बताइए। एक नेता और एक जोकर में जो अंतर है, एक अभिनेता एक जोकर में अंतर है, वही अंतर है दोनों में। लेकिन वही दो दो बार दिल्ली के सीएम चुनकर आए, दिल्ली की जनता चुनकर लेकर आए, कुछ लाभ दिया लोगों को कि एक टॉफी दिला दी कि बेटा मैं तुमको ये टॉफी दूंगा, ये काम कर दो। तो दिल्ली वाले तो वही 6 साल के बच्चे हैं कि कोई भी चॉकलेट दे के उनसे कोई भी काम कराया। ऐसे तो फ्री अन्न अन्न वैसे तो यहाँ की पब्लिक को भी मिल रहा है। नहीं तो फ्री अन्न मिल रहा है तो इसका एक ये देश के हित में फ्री अन्न है, एक प्रैक्टिकल, एक मान लीजिए दिल्ली की राजधानी है, लोगों का मेन इशू है वहाँ बिजली और पानी, दिल्ली वालों को ये चीज़ें फ्री मिल रही हैं। दिल्ली वालों का अन्न के अलावा जो ये चीज़ें मिल रही हैं वो ज़्यादा काम कर रहे हैं उनके लिए, इसलिए वो केजरीवाल को जिता रहे हैं। मैं तो दिल्ली होकर आया हूँ, 2012 से पहले मैं दिल्ली में रहता था, कहीं बाइक चलाते हुए गड्ढा नहीं मिलता था। अब तो आदमी रात को ध्यान न दे तो बाइक लेके गिर जाए, इतने गड्ढे हैं वहाँ के सड़कों में, इतना अतिक्रमण है। पढ़ा भी लिखा होना चाहिए, नहीं भी पढ़ा भी लगा, जो कोई पढ़े या कोई नहीं पढ़े बात ही है। आपको मोदी कैसे लगते हैं? ठीक है, सही है, सही है, है? अच्छा काम
करते हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल या पीएम मोदी? पीएम मोदी। अरविंद केजरीवाल नहीं। देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए? नहीं, पढ़ा लिखा होना चाहिए। पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री तुम्हारा इधर पढ़ा लिखा इस समय पढ़ा लिखा है? हाँ। तो क्यों कहा जा रहा है कि डिग्री दिखाए जा? अरविंद केजरीवाल क्यों कह रहे हैं कि डिग्री दिखाओ? अब किसकी क्या मानसिकता है, वो अपना सोच रहा सबका। केजरीवाल जी खुद ने क्यों नहीं दिखा रहे हैं? वही दिखाए, उनका देखा है आपने? नहीं। तब फिर जब ऐसे तो भारत स्वतंत्र कोशिश का IRS थे वो, तो पढ़े लिखे थे तो। हाँ IRS थे। हाँ। तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी तो पढ़े लिखे, नहीं तो उनको जनता ने चुना कैसे? हाँ। प्रधानमंत्री के लिए कोई डिग्री की तो जरूरत होती नहीं। डिग्री नहीं होती, वो सही कह रही हैं आप। हाँ। लेकिन इस समय जो भी है सब सही है, सबका साथ सबका विकास, प्रधानमंत्री को पढ़ा लिखा होना चाहिए? नहीं, पढ़े लिखा होना चाहिए तभी तो देश को संभालेंगे। पढ़े लिखे नहीं होंगे तो देश कैसे संभालेंगे? मोदी क्या लग रहा है आपको, पढ़े लिखे या नहीं? पीएम मोदी तो पता सिर्फ ये है, वो पढ़े लिखे नहीं है, जनता के लिए पढ़ा रहे हैं। इतना ध्यान देंगे, इतना वो सारी चीजें देंगे, वो पढ़े लिखे मुझे नहीं पता है या नहीं है, मगर हाँ जनता को उन्होंने अच्छी तरीके से पढ़ा दिया है। बिल्कुल पढ़ा लिखा होना चाहिए। पीएम मोदी क्या लगते हैं, पढ़े लिखे हैं? ठीक ही है, देश चला रहे हैं तो पढ़े ही लिखे हैं। जरूरी है प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नेता के लिए कोई डिग्री तो है नहीं, क्वालिफिकेशन तो नहीं है नेता? हाँ, के लिए वैसे। हाँ। देश चलाने के लिए अब जनता चुन रही है तो क्वालिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी नहीं है कि बीए पास हो या इंटर पास हो तभी नेता बने, या ऐसा होता तो पहले डिसाइड कर दिया जाता तभी चुना जाता। नहीं, अगर ठीक ठाक चला रहे हैं मतलब देश को, तो मतलब देश को आगे बढ़ाएं, और बाकी चाहे पढ़ाई लिखा हो चाहे ना हो तो उससे कोई लेना देना। तो युवा है तो क्या चाहते हैं कि आगे संविधान में कुछ बदलाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कि मंत्री विधायक इनको लिए उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया संविधान में भी लगाना चाहिए, आना चाहिए? हाँ ये तो है। हाँ? ये तो है, लगाना भी चाहिए, सही कह रहे हैं। हाँ, पीएम मोदी कैसे लग रहे हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं? देखिए उनका तो क्वालिफिकेशन नहीं बता सकते, लेकिन नेता ऐसा होना चाहिए जो अपने देश के लोगों के विषय में सोचे। तो सोच रहे हैं अपने देश के लोगों के विषय में? अब हमें तो नहीं लग रहा है सोच रहे हैं। हाँ, क्यों क्यों परेशान है? क्योंकि जॉब के लिए हम भी लोग परेशान हैं, 4 साल कर दिए देश के लिए। अच्छा, अग्निवीर स्कीम जो लाए जी, तो आपको लग रहा है कि इसकी जगह पे पढ़े लिखे होते हैं तो नहीं लाती है स्कीम अगर कोई? ये बताइए, जो 4 साल जो तैयारी करेगा अग्निवीर के लिए, वो घर आएगा फिर वो क्या करेगा घर पे? तो देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए या नहीं पढ़ा लिखना चाहिए? आज पब्लिक काउंटर में जनता से आज हमने ये बात की, जनता ने मजेदार जवाब दिया। शो जरूर देखिए, पब्लिक कमेंट में जाकर कमेंट भी करिए कि आपको शो कैसा लगा, कि ताकि हम अन्य मुद्दा फिर से लेकर आए आपके बीच में और आपके जवाब जान सके। वीडियो जर्नलिस्ट रितेश यादव के साथ श्रुति श्रीवास्तव, दैनिक भास्कर, लखनऊ।